हमारे रामगढ़ महाविद्यालय के माननीय अध्यक्ष जी, हृदया जी, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारे इस पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य शंभू जी, संजय जी, इसमें उपस्थित तमाम नौजवानों को लगभग 90% नाम जानता हूँ, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं तमाम अपने ओर से मैं मुख्य अतिथि को मैं सम्मान करते हुए तमाम अतिथियों को मैं अपने ओर से सम्मान करता हूँ। साथियों, हमारे पूर्व की वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, हमारे थाना प्रभारी ने बहुत वरीयता से अपनी बात को रखे जो नशा मुक्ति के बारे में। साथियों, नेहरू युवा क्लब आज से करीब हम लोग 20 साल पहले इस संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। आज जो बहादुर काम कर रहे हैं और उस दिन में बहुत अंतर था। जिस दिन जिस समय हम लोगों ने इस संस्था से जुड़े हुए थे और आज भाई राजेश जी को इस ठंडी में बहुत ही बच्चे को मैं बधाई देता हूँ, तमाम नौजवानों को, कि आपने भीड़ पर नहीं विश्वास किया, इस रामगढ़ के इलाके का जगते हुए सूर्यों पर विश्वास करने का काम किया। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि जितने लोग जुटे हैं ये संभवतः लाखों की भीड़ को तकदीर में बदल देने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए साथियों, नशा होना चाहिए, लेकिन नशा किस चीज का होना चाहिए? यदि नशा नहीं होता तो भारत आजाद नहीं हुआ होता। यदि नशा नहीं होता तो इस देश में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जैसे महापुरुष पैदा नहीं हुए होते। नशा करिए, लेकिन नशा उसका करिए जो देश और समाज के लिए सामाजिक परिवर्तन में लाने का काम करे। साथियों, शराब पीना नशा है, शराब से हमें और हमारे पीढ़ियों को क्षति है, लेकिन नशा वो करिए आप कि जिसका सामाजिक परिवर्तन आपके बीच में दिखाई देने। साथियों, नेहरू युवा क्लब का मतलब ये नहीं है कि हम भाषण दे और मिठाई खाए और माला पहन कर चल दिए। नेहरू का जब नेहरू युवा का गठन जब भारत में दिल्ली में हुआ तो इसका बहुत बड़ा मकसद था इस देश की सामाजिक परिस्थितियों को आर्थिक राजनीतिक से जोड़कर इस देश को उत्थान करने का इस संस्था में भी विधि व्यवस्था है। मैं नौजवानों से कहेंगे कि आप लोग जो भी इस संस्था में जुड़े हुए हैं, सब लोग अपने अपने बहादुरी के साथ, निष्ठा के साथ यदि काम नहीं किए होते तो हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होते। इसलिए आपकी व्यक्तित्व प्रशंसाओं को मैं प्रशंसा करता हूँ। और नशा करिए आप, शराब का नशा मत करिए, नशा करिए। और प्रभारी जी ने कहा कि यदि आपने हमें सेक्रेसी मेंटेन कर दोगे तो मैं मिनटों भर में